since calendar of schools. Official to check. Students, in this lecture, we will do exercise 6B, 7th class math, R.S. Agarwal. Okay, students, let's start. Question number first. Find the product of the following numbers. First question is 3 a square into 8 a raised to power 4. Students, we have uploaded the video about the exponents. You can check the video from our playlist. Please must watch the video introduction of exponents before doing this exercise. Okay students, मैं आपको समझा चुका कि कैसे हम variables को multiply करते हैं. ये chapter 5 exponents introduction वाली video में हमने आपको बताया है. आपसे request है, please playlist पे जाइए और वो video जरूर देखिए. अगर आपने वो video देख ली है, आपको कुछ समझ में आ गया है, तो आप इसको direct कर सकते हैं. Students, इस केस में हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर निकाल लेंगे. ओके, देन आफ्टर जो वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट कर लेंगे. ठीक है, तो आप एक चीज देखिए, यहां पे तो सिंपल हो गया आपका 24, यहां पे 20 सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है. तो एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम, क्या x raised to power m into x raised to power n, x raised to power m plus n. तो यहाँ पे हो जाएगा a raised to power 2 plus 4, 24 a raised to power 6. तो सभी सम इसी तरीके से सॉल्व होंगे. ये कॉन्सेप्ट्स चैप्टर 5 में आप सीख चुके हैं, आज आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करना भी सीखने वाले. सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, माइनस सिक्स एक्स क्यूब इंटू फाइव एक्स स्क्वायर सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे. कॉन्स्टेंट टर्म्स को आगे लिख लेंगे, वेरिएबल्स को पीछे. कॉन्स्टेंट्स का मल्टीप्लाई किया कितना आया, माइनस 30 मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 2. माइनस 30 एक्स रेज टू पावर 5. वेरी सिंपल. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, माइनस 4 ए बी एक्स माइनस 4 ए बी, दिस इज मल्टीप्लाई, दिस इज मल्टीप्लाई. ओके, लेट डू इट अगेन. माइनस 4 ए बी, ये मल्टीप्लाई का सिंबल था जिसने हमने एक्स कंसीडर किया, तो मल्टीप्लाई है. माइनस 3 ए स्क्वायर बी एंड सी, कॉन्स्टेंट 4 और माइनस 3 बाहर निकाल लीजिए. मल्टीप्लाई ए बी इंटू ए स्क्वायर बी सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12 इंटू ए की पावर 1 और 2 कितना हो जाएगा, ए की पावर 3 और बी रेज की पावर 1 और 1 2 एंड सी. लास्ट में आंसर क्या मिलेगा, 12 ए क्यूब बी स्क्वायर. ठीक है, अगर आप चाहो कैसे किया जानना चाहते हो तो बेटा ए इंटू बी इंटू ए स्क्वायर इंटू बी इंटू सी. ए स्क्वायर और ए क्यूब हो गया, बी इंटू बी बी स्क्वायर हो गया और सी डिफरेंट था तो सी आ गया. तो ऐसे हमने सॉल्व किया. क्वेश्चन नंबर 4,
qa square bq multiply with minus 3 a cube b 2 into minus 3 multiply with a square bq into a cube b. तो सभी के बीच में मल्टीप्लाई है, यहां से माइनस 6 मिलेगा, a स्क्वायर है, क्यूब है, तो a 5 हो जाएगा, b क्यूब है और 1 b 4 हो जाएगा. ये आपका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. नंबर आपको गिवन है 2 by 3 एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई विद 3 by 5 एक्स वाई स्क्वायर. तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालते हैं, 2 by 3 मल्टीप्लाई विद 3 by 5 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इनटू वाई इनटू एक्स इनटू वाई. अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 3 कैंसिल 2, 3 2 by 5 बचेगा, x square और x raised to power 3, y into y square, then y raised to power 3, 2 plus 1 and 2 plus 1. So I get the answer. It's very simple. Now question number 6, minus 3 by 4 a b cube into minus 2 by 3 a square b raised to power 4. Constant term bahar nikal lijiye, minus 3 by 4 into minus 2 by 3 multiply by a into b cube multiply by a square into b. देखिए माइनस को मैं बाहर निकाल रहा है तो अंदर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस बाहर आ गई कांस्टेंट में. अब वेरिएबल्स के आगे कोई माइनस का सिंबल नहीं आएगा, याद रखनी है बात. माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगी, 3 और 2 2 जब 4 ऊपर 1 बचेगा, तो ये आएगा 1 बाई 2 इन जू ए की पावर 1 है और 2, तो ए रेज टू पावर हो जाएगी 3, बी की पावर 3 है 4, तो बी रेज टू पावर 7 हो जाएगी. 1 by 3 into a cube b square मेरा आंसर है. ठीक है बेटा, कोई डाउट? देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका. क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द प्रोडक्ट 1 by minus 1 by 27 a square b square minus 1 by 27 a square b square multiply करना है इसको, minus 9 by 2 a cube b c square. constant term को बाहर निकालिए, minus 1 by 27 minus 9 by 2 minus को बाहर निकाल दिया है तो अंदर सब ऑपरली लिखे जा सकते हैं, a square into b square into a cube into b into c square. सभी मल्टीपल में एक दूसरे के, ठीक है, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 9 3 जा 20, 7 3 2 जा 6, तो 1 by 7 6 आ गया आपके, a स्क्वायर है a क्यूब है तो a की 5 हो गया, b स्क्वायर है और b है तो b रेज टू पावर क्यूब हो गया, यानी b क्यूब b की पावर 3. अब बचा क्या, c स्क्वायर. फिर मेरा आंसर आ गया. दैट्स वेरी सिंपल बेटा. ठीक है, मीन कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो और वेरिएबल्स की पावर जो सेम पावर है, सेम वेरिएबल्स हैं, उनको ऐड कर दो जो फॉर्मूले में आपको बताया गया. क्वेश्चन नंबर 8, माइनस 13 बाई 5 ए बी स्क्वायर सी माइनस 13 बाई 5 ए बी स्क्वायर सी मल्टीप्लाई विद 7 बाई 3 a स्क्वायर b c स्क्वायर. कांस्टेंट टर्म बाहर आएगी, माइनस 13 बाई 5 इंटू 7 बाई
3, ठीक है, मल्टीप्लाई विद a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी इंटू ए स्क्वायर इंटू बी इंटू सी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कुछ कट नहीं रहा है, तो माइनस 91/15, a की पावर 1 है और 2 1 3 हो जाएगा, a रेज टू पावर 3, पावर 2 है, 2 प्लस 1, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और इधर c की बात करूं मैं 1 है और इधर 2 है, 2 प्लस 1, यहाँ पे भी क्यूब हो जाएगा, यानी पावर 3 हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 इज सिमिलर लाइक क्वेश्चन नंबर 8, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्या हो जाएगा देखो, यही समझा देता हूं, 5 है, 5 से -5 पे कट गया ये, और ये 6 इधर -3 पे कट जाएगा, ठीक है, माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब इधर बचेगा 15, एक्स स्क्वायर है, जेड एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब हो गया, जेड क्यूब हो गया और वाई आ जाएगा, इसको आप खुद ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 9 डू इट योरसेल्फ, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आप इसको एक बार ट्राई करें, ठीक है, इसका आंसर जो होगा मैं आपको बता देता हूँ, सॉल्यूशन आपको खुद करना है, इसका आंसर आएगा 15 एक्स क्यूब जेड क्यूब एंड वाई, ये इसका आंसर। चलिए स्टूडेंट्स आप 10th क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा 10th क्वेश्चन। -3/14 एक्स टू वाई रेज टू पावर 4, -3/14 एक्स वाई रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई विथ 7/6 एक्स क्यूब वाई, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, -3/14 7/6 इंटू इसको अपर फॉर्म में लिख दीजिए, मल्टीप्लाई की फॉर्म में, सॉल्व करिए क्या मिलता है, आई थिंक ये 2 पे जाएगा और ये भी 7 टू जा और माइनस है तो आंसर माइनस का आएगा, नीचे 4 आएगा, -1/4 एक्स की पावर 1 और 3 4 हो जाएगी, वाई की पावर 4 और 3 ये कितनी हो जाएगी, ये भी 4 होगी, सो आई गॉट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, टेक सम मोर एग्जांपल्स, ट्राई टू सॉल्व देम, ओके नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले तो हम तीनों कांस्टेंट को आगे देंगे और वेरिएबल्स को पीछे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, -7/5 मल्टीप्लाई विद 3/2 मल्टीप्लाई विद -6/5 इनटू एक्स स्क्वायर इनटू वाई इनटू एक्स इनटू वाई स्क्वायर इनटू एक्स क्यूब इनटू वाई, ठीक है, हमने ओपन फॉर्म में लिख दिया, अब सोल्व करते हैं देखते हैं क्या मिलेगा, देखिए माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, कुछ कट रहा है यहाँ पे, आई थिंक हमने मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी, कुछ कट नहीं रहा है, 21 हो जाएगा और 21 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा 126, 126 नीचे 50, ठीक है, शायद ये 3 पे कटेगा,
आप इसको कट कर सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्मूले क्या है स्टूडेंट्स, मेन बात क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्मूले क्या है, अगर कुछ कट हो रहा है कट कर दीजिए। तो 2 से कटेगा 63 / 20 कट कर दीजिए। अब ठीक यहां पे देखिए आप x की पावर सॉरी यहां पे मल्टीप्लाई आएगा, इसको करेक्ट कर देते हैं एक बार। x की पावर 2 प्लस 1 प्लस 3 है ना। देखिए आपको क्या करना है, जितने भी x की पावर है सबको ऐड कर देना है क्योंकि मल्टीप्लाई है। देन आफ्टर y रेज़ टू पावर यहां पे 1 है प्लस इधर 2 है उधर 3, आप कितना आ जाएगा x रेज़ टू पावर 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 आ जाएगा, और इधर 3 टू 5 प्लस 1 6 आपको समझ में आया होगा। कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, 12 सम सेम बिल्कुल 11 की तरह ही है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। देन आफ्टर ए और बी, ए बी सी थ्री वेरिएबल्स गिवन है, उनको भी मल्टीपल फॉर्म में लिखते हैं। देखते एक बार 12 क्वेश्चन को। टू ए स्क्वायर बी ओके मल्टीप्लाई विथ माइनस 5 ए बी स्क्वायर सी मल्टीप्लाई विथ माइनस 6 बी सी स्क्वायर। कॉन्स्टेंट टर्म आपकी 2 माइनस 5 माइनस 6, अब क्या बचेगा ए स्क्वायर इंटू बी, यहां से आएगा आपका इंटू ए इंटू बी स्क्वायर इंटू सी, इधर से आपका आ जाएगा बी इंटू सी स्क्वायर। हमने जो टर्म्स थी उनको ओपन करके लिख लिया ओके। लेट मी चेक, ए स्क्वायर बी था, ओनली बी था ना, और फाइव ए बी स्क्वायर था, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि इस पॉइंट पे स्क्वायर नहीं था। एक बार इसको करेक्ट कर लेंगे ठीक है। अब ध्यान रखना आपको पावर गलत हो गई ना तो आंसर मिस्टेक हो जाएगा, आंसर नहीं। जैसे बी था तो यहाँ पे बी ही लिखे, यहाँ पे ए था तो बी आ गया, बी स्क्वायर बी और सी, देन बी और सी स्क्वायर। अब ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दूसरी भाषा में माइनस से माइनस प्लस होता है, 30 और 2 60 ए रेज टू पावर 2 और ये 1 है प्लस 1 और वो है कोई 1 नहीं है, b रेज टू पावर इधर 1 है प्लस इधर 2 है और वो है b, यस ये रही। c की पावर कितनी है, c की पावर तो केवल 2 है और इधर 1 है, आंसर आ गया 60 a क्यूब b रेज टू पावर 4 c रेज टू पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, मीन हमें क्या करना है, हमें पावर काउंट करनी है, जो वेरिएबल सेम है उनकी पावर काउंट करो, पहले इकट्ठा करो फिर पावर काउंट करो, उस पावर को ऊपर लिख दो। जैसे यहाँ पे था ए की पावर 2 थी, 2 प्लस 1 3 हो गई और 3 ही रही, बी की 1 थी 1 प्लस 2 3 हो गई और 3 प्लस 1 4 हो गई ओके 60 ए क्यूब बी 4 सी। तो ये मेरा आंसर आता है, 12th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है ओके स्टूडेंट्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम केवल 15 सम तक ही करेंगे, बाकी सभी सम्स हम पार्ट सेकंड एक्सरसाइज 6 बी में करने वाले हैं, जो वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड कर दी जाएगी ओके स्टूडेंट्स। नाउ टू क्वेश्चन नंबर 30। माइनस 4 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ माइनस 6 एक्स वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ माइनस 3 वाई ओके। सो माय फर्स्ट वर्क इज टू फाइंड टेक आउट द कांस्टेंट माइनस 4 माइनस 6 माइनस 3। नाउ एक्स स्क्वायर इधर से इनटू एक्स इनटू वाई स्क्वायर और इधर से इनटू वाई, याद रखिए नेगेटिव सारे बाहर आने चाहिए कॉन्स्टेंट के साथ, अंदर वेरिएबल केवल पॉजिटिव फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं,
थ्री टाइम्स माइनस तो माइनस ही रहेगा, या दूसरी भाषा में माइनस ही माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, प्लस की माइनस करेंगे फिर माइनस ही आएगा, तो ये कितना बनेगा 72 आ जाएगा माइनस में। और इधर x की पावर 2 है, 2 प्लस 1 3 है, तो x रेज टू पावर 3, इधर y की पावर 2 प्लस 1 y रेज टू पावर 3 हो जाएगा। स्टूडेंट्स रियल में बहुत ही सिंपल है, इनको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आप इनको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी सिमिलरली इसी प्रकार से देखते हैं, माइनस 3 बाय 5, वन मिनट चेक करते हैं क्या लिखा होगा। एस स्क्वायर टी है, थोड़ा सा चेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे वेरिएबल एस स्क्वायर टी लिया है, इनटू 15 बाय 7 एस टी स्क्वायर यू इनटू 7 बाय 9 एस यू स्क्वायर, तो कॉन्स्टेंट माइनस 3 बाय 5 15 बाय 7 और 7 बाय 9 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, अब मेरे जो टर्म्स बचती हैं उनको नोट कर देता हूँ, ऑपन होगी s into s square into t, इधर बचेगा आपका s into t square into u into s into u square, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और क्या होगा 5 से 3 हो जाएगा, 3 या 9 हो जाएगा, तो ऊपर तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सारे टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो गए। ओके फिर से देख लेते हैं, 5 3 जा 3 से उसके बाद 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया, तो ये माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 लिखने की जरूरत भी है, माइनस 1 डायरेक्टली आंसर आ गया, s की 2 है प्लस 1 3 है और प्लस 1 4 है, तो माइनस s रेज टू पावर 4, t की पावर 1 1 प्लस 2 3 3 हो जाएगी, और u की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, तो u की पावर 3 हो जाएगी, तो माइनस s रेज टू पावर 4 t रेज टू पावर 3 एंड u रेज टू पावर 3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर में भी सिमिलर थ्री टर्म्स गिवन है और यूपी की फॉर्म में गिवन है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है बेटा, माइनस 2 बाई 7 यू रेज टू पावर 4 वी मल्टीप्लाई बाई 14 बाई 5 यू वी क्यूब मल्टीप्लाई विथ माइनस 3 बाई 4 यू स्क्वायर वी क्यूब। सेम वही प्रॉब्लम जो माइनस 2 बाई 7 इंटू 14 बाई 5 इंटू माइनस 3 बाई 4 इंटू यू रेज टू पावर 4 इंटू वी इंटू यू इंटू वी क्यू इंटू यू स्क्वायर इंटू वी, ठीक है, जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर हमने लिख दिया है, अब सॉल्व करते हैं। 7 2 जा 14, इसके बाद होगा 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कुछ बचा देखते क्या बचता है, एक तो माइनस 3 रह गया आपका, नीचे 5 रह गया, माइनस ही माइनस कैंसिल हो जाएगी प्लस हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा आपका सोल्व करने के बाद, ऊपर तो बचता है माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 और नीचे बचेगा 5, ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको ना सिंपलीफाई कर करके देखिए, यहाँ पे थोड़ा बोझ बोझ हो गया है, प्लीज इसको ट्राई करना, तो आंसर मुझे 3 बाई 5 मिलेगा, इधर आ जाओ इन यू की पावर 4 है, 4 प्लस 1 5 और 2 7, तो यू रेज टू पावर 7 हो गई, इन टू बी की पावर यहाँ पे 1 है, 1 3 4 है और 4 3 7 v raised to power 7, तो मेरा आंसर आएगा 3 by 5 u raised to power 7 and v raised to power 7। कि स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा, सभी सब समझ में आए होंगे। स्टूडेंट्स
अगर आप हमारे ऐसे ही और लेक्चर्स देखना चाहते हैं या बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज वीडियोज के लिंक उनके साथ शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए करें। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।